बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ्रंट पेज में वहाँ के भलीकार आए हैं लैला निसार ए मुसगद। स्टूडियोज़ में मौजूद आए सीनियर सहाफ़ी जी एम जमाली साहब। जमाली साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, अज की अज की सब का वे में वही खबर जी अज की होंगी वह ती शेयर कदा हल्दे तो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 जो है कानून की शिकल अख्तियार कर चुको है। हि पास थी चुको है, कानून बन जी चुको है, जिनते पे ऑलरेडी काफ़ी एक यू नो स्टे हो रुकावटू हुई। हाँ इन एक्ट ते जो है कानून ते सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जी सही का कानून जो है हि कानून बन जी चुको है। सो इन यह खबर पे शामिल कंदे तो इन कानून इन एक्ट के लिए ये वने पो ते अगूणा वजीर अजम नवाज शरीफ है उहे जहांगीर तरी जेके पहिरीं पीटीआई सां ताल्लुक रखन पया उन्हनि बिन्ही खे पंहिंजी नाअहली जी दरख़्वास्त नाअहली जी ख़िलाफ़ दरख़्वास्त जेको आहे दायर करण जो दाख़िल करण जो मौक़ो मिली वेंदो, हक़ हासिल थी वेंदो। पर ॿिए तरफ़ जेके कानून जा वज़ीर आहिनि आज़म नज़ीर तारर साहब उहे चवनि था त इन कानून तहत न जहांगीर तरीन खे को फ़ाइदो आहे न ई अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ खे को फ़ाइदो आहे। त पहिरियों त इहो डिस्कस कंदासीं त छा इन बिल तहत इन एक्ट तहत कंहिंखे फ़ायदो पहुचण वञे पियो, जेके इन में ॻाल्हियूं कयूं वञनि पियूं त कंहिंखे कहिड़ो हक़ जेको आहे हाणे मिली वियो आहे या आहे या न। ऐं ॿिए तरफ़ ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा चेयरमैन जेके आहिनि इमरान ख़ान साहब, उन्हनि जी अकेलाईअ में मुसलसिल इज़ाफ़ो थींदो वञे पियो। तमामु जेकी असीं चऊं त उन्हनि जी सीनियर क़यादत आहे, खोड़ माण्हू उन्हनि खे हिन वक़्त ताईं छॾे चुका आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे, या असीं चऊं त उन्हनि जे चेयरमैन जेके इमरान ख़ान साहबु आहिनि त उहो उन्हनि जे लाइ केतिरो नुक़सानकार आहे। ऐं गॾोगॾु हू उन्हनि हुकूमत खे ॻाल्हियुनि जी बि पेशकश करे छॾी आहे, यानी हू इमरान ख़ान साहब जेके हुकूमत सां विहण जे लाइ तयारु न हूंदा हुया, हाणे हू चवनि था त हुननि सां ॻाल्हियूं करणु चाहिनि था। पर गॾोगॾु हुकूमत जेका पहिरियों उन्हनि सां विहणु चाहींदी हुई ॻाल्हियुनि जी, उहा बि ॻाल्हि कंदी हुई, पर हाणे उहा बि चवे थी, हुकूमत चवे थी त असीं ॻाल्हियूं जेकी आहिनि उहे सियासी जमात सां थींदियूं आहिनि, दहशतगर्दनि सां न आहिनि थींदियूं। सो ही ॾाढो हुननि कॉम्प्लिकेट करे छॾियो आहे मामले खे, या ईअं चऊं नज़र बज़ाहिर ईअं थो लॻे त बदिलाउ वठनि था। सो बहरहाल हलूं था जमाली साहब जी तरफ़, हुननि वटि छा अंदरि जूं ख़बरूं आहिनि। हीअ त पहिरियों हीअ ख़बर असीं शामिलु कंदासीं जेको एक्ट आहे कानून बणिजी चुको आहे, इन ते सभ खां पहिरियों ॻाल्हि कंदासीं। जमाली साहब, त छा वज़ीर आज़म अॻूणा वज़ीर आज़म जेके आहिनि नवाज़ शरीफ या जहांगीर तरीन खे फ़ाइदो हासिलु थियणु वञे पियो? ॾिसो, इन जो रिज़ल्ट त असांखे ख़बर पवंदी कुझु ॾींहंनि खां पोइ। अच्छा। बेसिकली उन्हनि खे जेके सज़ाऊं आयूं आहिनि उन्हनि जो जेको मुदो आहे उहो काफ़ी वक़्तु गुज़री चुको आहे, छो जो कानून में बहरहाल अपील जो बि को हिकिड़ो मुदो मुक़ररु हूंदो आहे। पर छो जो इहे कानून नओं ठहियो आहे, इन में पुराणा केस चैलेंज थी सघनि था, नथा थी सघनि, इहो चवणु फ़िलहाल त क़बल वक़्तु आहे। पर फ्यूचर जेको आहे मां सम्झां थो त उहो ज़रूरु माण्हुनि खे इंसाफ़ मिलण जी तवक़ पैदा थींदी इन सां। तव्हां ॾिसो त को बि चीफ जस्टिस अचे पियो तोहीन अदालत जी उहो कार्रवाई करे रहियो हुयो ऐं सो मोटो पियो वठे। सो मोटो में जेको आहे उहो वॾे अफ़सोस सां ॻाल्हि आहे त कंहिंखे बि उनजो पॉलिटिकल केरियर उहो ख़तमु थो थी वञे। हुनजे लाइ जेको आहे अवल त ॾिसो न, मां त इन शइ जे बि ख़िलाफ़ु आहियां सख़्तु, ऐं हिननि खे अञा पार्लियामेंटेरियन खे पंहिंजे कानून में तरमीम करणु घुरिजे त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डायरेक्टली काई बि पिटीशन फाइल ई थियण जो अख़्तियार न हुजणु घुरिजे, छो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मतिलबु ई अपीलेंट अथॉरिटी कोर्ट आहे। उनजो इहो कमु ई न आहे त हू डायरेक्ट जेको आहे उते पिटीशन फाइल थियनि ऐं जज उन ते पंहिंजा जेके अख़्तियारात हूंदा आहिनि, यानी कि सवाबदीदी अख़्तियार जेके चऊं, ख़ुसूसी अख़्तियार चऊं, उहे इस्तेमालु करे उन ॻाल्हि कंदा हुआ। त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो जेको असांजो सभु खां वॾो मोहतरम इदारो आहे पाकिस्तान जो इंसाफ़ फ़राहम करण जे हवाले सां, उन में इन क़िस्म जो को ऑप्शन ई न हुजणु घुरिजे, छो जो उन सां यकीननि, छो जो सभु खां वॾो आख़िरी फोरम थी वियो इहो, त पोइ उन खां पोइ उहो काॾे अपील करे, कंहिं वटि वञे, जेकॾहिं कंहिंसां ज़्यादती थी वञे त आख़िर पोइ उहो करे छा इन मुल्क में। त बेस्ट तरीक़ो इहो हूंदो आहे त लोअर जुडिशरी खां जॾहिं जेके बि केस ईंदा आहिनि, जेके बि उते हलंदड़ हूंदा आहिनि, उनखां पोइ जेके उन्हनि ते डिसीशन्स ईंदा आहिनि, अल्टीमेटली कंहिं बि माण्हू खे इहो राइट हूंदो आहे त उहो आख़िरी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ताईं वञी करे पंहिंजो आवाज़ु पहुचाए सघे या इंसाफ़ु हासिलु करण जी कोशिशि करे। पर बदक़िस्मती सां गुज़िरियल 2012 खां मूंखे यादि पए थो त एॾी हिकिड़ी ग़लति रवायत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान विझी छॾी आहे, जो जेको बि पसंदि या जंहिंमें उन्हनि जो इंट्रस्ट आहे जजनि जो, उहो कंहिं न कंहिं माण्हू खां पाणी पिटीशन फाइल कराईंदा आहिनि,
एक तो उन फौरन एक्सेप्ट कर केस लड़ शुरू कर छा बो जो कोई सो मोटो वा यानी ब ही जे समझा तो हदूद का तजावज कर कानून में मौजूद आज मैं ना चाहता ये गैर कानूनी आज पर कानून में जो सकम है या कानून में जो ऑप्शन्स मौजूद आज पार्लियामेंटेरियन के घुर्ज त कौम इन्हें मोकिली कानून साजी के लिए आ नजरसानी कन असेंबली में इन कानून के ही तब्दील कन तो माजी जो अस मामलों में पौदी तो जाहिर है एक डिघी तारीख है अदालत के हवाले से वही तलख डिघी तारीख है तो वो यकीन उलझंदा वासी पर घट में घट जो थी चुको है अस उन ब्लॉक कर फ्यूचर तो पैं बेस्ट सिक्योर कर सकूंगा ना तो इन पार्लियामेंटेरियन जो कम है तो गौर विचार कन को भी केस को भी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डायरेक्टली फाइल ही न कर दिसो ही कानून साजी ताने ने जाहिर है आज फायदे जे लाइन आज हुकूमत पाकिस्तान एकरो इनन के सरप्राइज दिनो जजन के छो जने ते स्टे होयो न कानून साजी ते आए उन में भी जो को जवाब उनन यही दिनो है जो को अगोने अटॉर्नी जनरल जा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुदी जे में चपयो त यो जो को फैसलो ऑलरेडी 3-4 सा हो इन करे इन में किथे रुकावट का नहीं अभाम कानून हाँ मुख्य याद तो पे तो यो फैसलो यो 8 रुकनी बेंच दिनों ही 3-4 जो उलझाण इन में मुझे ख्याल में मिक्सचर थी वो है छो जो 3-4 वो जो फैसलो बेसिकली वो हो इलेक्शन के हवाले से पंजाब असेंबली की थी उन में मुख्य याद ना तो कोई यो मैटर पेंडिंग हो चीफ जस्टिस तो अलग 8 रुकनी बेंच घुरा हो जिन के स्टे हो प्लस जो को है वरी उन 8 जून के इतला मुताबिक सुप्रीम कोर्ट वरी उन्हीं सागी 8 रुकनी बेंच के जो घुरा भी वरतो है उनको इजलास घुरा वरतो है उन ऐसूँ तो इन बिल के हवाले से छी हिकमत अमली भी है पर एकड़ी फॉर एवर गाल कर रोस ये तो वक्ती मसलो आ उवी भी थी या जो भी है चीफ जस्टिस आज हाँ 2 महीना रह महीन तीन थी सके तो यो स्टे भी हले या उनके काला दम करार दे तो वरी पोन खा पोवरी का वरी बेंच अच्छी वने या वरी यो से पार्लियामेंट जे हथे में आ कानून साजी के वरी घुमाए फिराए बटे शिकून में चेंज करे वरी कानून पास करे छरींदा यो को इतरो बड़ो मसलो कने जकरे न के दन काला दम करार दिनो भी त अगले 2 महीनन का पो यो नए शेप में जो का है वो अच्छी विंदो ए नए शेप में ता वरी कानून साजी करे जे मुकली ना उन वक्त पोई चीफ जस्टिस आ इनकी टीम न हुंदी त जाहिर आ पो वरी वो सस्टेन करे विंदा असल मसलो यो आ त कानून साजी जे की कबी है वो फॉर एवर कबी है फ्यूचर के प्लानिंग के मद्देनजर रखे कबी है तो इन्हें यो घुर्जे जो आसान अल्फाज में जो समझी सकां तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सब का आखिरी फोरम उतने कें मानू के यो हक न हो तुसो ना मुस्तकिल मुस्तकिल गुजरियल 11-12 महीनों की जैसे हिस्ट्री खड़ो या 14 महीनों की मुस्तकिल बराह रास्त मानू जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने पिटिशन फाइल क्यों हैं जैमें 70-80% इन ही पीटीआई जो जज इन फौरन एक्सेप्ट भी करता छन उन केस भी कह फैसला भी हाँ अदलिया स्टैंड वे जो मुल्क जो बेड़ो गर्क कर छो है तुसो फेक वीडियोज एतर उन्होंने फैलियों जो हाँ पे ट्विटर तरह के पा डिलीट थी करी पवन पैंजा इन केतरा ट्विटर अकाउंट में हाँ ब्लैकलिस्ट थी बंद थी वह तो ऐसो सोशल मीडिया के आज़ादी जो मतलब हरगिज यो न हों तलत वीडियोज के जरिए मुल्क में अफरा तफरी पैदा कर यानि ये लबनान की वीडियो अलग कड़े मुल्क की वीडियो जो है मिक्स कर सोशल मीडिया जो पीटीआई जहाँ वर्कर्स या इन लीडरशिप है बेसिकली तो लीडरशिप की हिदायत थी रो है पर कूड़ियों वीडियोज यानि कि जी एक साल अग में जी गाड़ी सड़ी हुई उनकी वीडियो ने या कर अलाई तो असरे एमपी की जो है गाड़ी सड़ी शर्म भी कान अचन इमरान खान पा उन ट्वीट कर जो उनके डिलीट करो पो जैसे मानू बुधा सही साल पुरानी जो है यह वीडियो है तो बदकिस्मती है जो जो पोलिटिकल जो खास तौर पर ये पीटीआई जहाँ वर्कर्स इन में जो लीडर्स इन में इखलाकियात नाले की का शे परे नजर नी अचे इन में समझ बूझ जो है वो परे नजर कान थी अचे ये जो है ना जहनी रुगो इन में मुब्तला थी वह तो बस इक्तदार इन मिलन घुर्जे इक्तदार के नशे के कर ही चरिया थी चुका इन जे भी बयान तसो इन हालत यहाँ ऐसो त दावा कंदा तो अस इनकलाब आणींदी तो फलानो अस रेड लाइन आसे थो तो हि कर छासी इमरान खान के हर उन केस में अदालत घुरा है जैमें वही करप्शन इन्वॉल्व है
यानी अब्दुल कादिर ट्रस्ट आए तो 60 बिलियन रुपीज़ इन्वॉल्व इन में जैसे कौमी खजाने में बजना हुआ अड़े तरीके से तोशाखाना आए तो न सिर्फ उन में प्रोसीजर की मिस्टेक आए पर जो ही दावा था कन तो घड़ी खपाई है वो दुकानदार चाहे तो मु घड़ी न खरीद कई है तो ये मामूली गाल कान अड़े तरीके से फॉरेन फंडिंग जो को केस है वो भी बिलियंस ऑफ रुपीज जो केस है यानी तक करप्शन के केसन में जैसे अदालतों में घुरा वे तो अफरा तफरी फैलाइंदा त मुल्क में जलाओ घेराव कंदा या तुम मुल्क में यानी कि हिस्ट्री कानदा दिसन इन पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातन जहाँ लीडर्स इन कटेरे में या इन छाणे में छनजी आया तसो तो कें लीडर अज ती कें पार्टी के हालांकि जो मजहबी जमात हूं उनमें काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट हूँ पर अज ती कें मजहबी जमात में भी यो तासुर न मिलो हों तो उन्होंने जैसे कोई लीडर गिरफ्तार थे तो वो चवन तो जलाओ घराव कर छो बाहे छो मुल्क के साड़े छो यानी इन जी सोच आ वो इमरान खान की सोच रुगो पेंजी जाल जे दायरे जे बीच में घुमी रही है रिलेटेड भी खोड़ खबरों हैं असि शामिल कंदासे ताजन में तबसरा भी पर ही जकी पॉइंट आ रखी प्रोग्राम जो शुरुआत में त जहांगीर तरीन नवाज शरीफ के इन कानून तहत को रिलीफ यानी उनके हक हासिल थी विंदो पर जको कानून वजीर है कानून जो वो तो चवे पयो त इन बिल तहत के भी किस्म जो फायदो न तो पहुंच सके बिनी के मां जी तांगे पहिरों ही बुधायो त जाहिर अपील करण जो भी जी भी एकड़ी मुद्दत हुंदी है ना तो हाने इन बिल में न के मुद्दत जो जिक्र आए अच्छा। जो आज जे कने बिल बन कानूनी माहिर चंद का फायदा पहुंचन वारो है त अगले पर कॉमन सेंस या दे चाहे त जने को बिल मंजूर थी वने त पुराना जे केस छो जो पहिरों हो या प्ली वठी सकन था त असा अपील न करे न कई सी ऑप्शन कान हो पर जैसे हाँ कानून में ऑप्शन अची वो है तो कॉमन सेंस यो चे तो इन कानून में ना ही लिखी गाल कॉमन सेंस यो चे तो इन अपील के इन बिल के बुनियाद बनाए जो भी नायली वा हुआ ये उनमें वही छोजो तक याद हों इमरान खान की हिंस एप्लिकेशन आई तोशाखाने वाले केस में तो नओ एहतसाब बिल आ जिनकी मुखालफत कद हो उन तहत इन एप्लिकेशन दिनी तो मुझे जो है रिलीफ दिनो वे ठीक है तो हाँ अंदाजो लगा तो इमरान खान जो उन एहतसाब बिल की मुखालफत कद हो पर जैसे उन एप्लिकेशन आई तो उन बिल के उन बुनियाद बनाए तो हाँ इन बिल में ही तरमीमू थी चुकी हैं तो लिहाजा इन बिल की फलानी फलानी शिक के मुताबिक जो है यो असेंगे तेखे जी गिरफ्तारी या असाते यो केस जो है इन तरीके से नो ठी सके छोजो उनमें बेनिफिशरी के लिए अलग खाता है जो है जो डायरेक्ट मुलजिम है उनके लिए अलग तरीक़ेकार है उन वाइफ भी अपील वती तो छोजो वो पब्लिक ऑफिस होल्डर ना है तो इन कर इन मामले का परे रखो वे पर उन्होंने सारो कहो वो यो जो बिल आयो हो जैसे मुखालफत कर रहा तो हाँ मैं स्टेज नो ची सक कानूनदान इनके बेहतर अंदाज में बुधा सकन था पर मां सिर्फ पैं एक कॉमन सेंस की बुनियाद से चई सकान तो जो पिटिशन फाइल कन अपील की तो यकीन वो या पिली जरूर वा तो पे मुल्क में कानून न हो हाँ मुल्क में कानून अच्छी चुको है इन तहत जो इनके में शामिल पर पोलिटिकल ग्राउंड्स से जो इनके ऐसू तो यो काफ़ी मुश्किल नजर अची रो है पोलिटिकल छोजो नवाज शरीफ साहब मां समझा तो जोड़ महीना उनकी हुकूमत के थी चुका जो उन्होंने पाकिस्तान अचण हो इमीडिएट ए सियासत में पाँ को रोल प्ले करो हो तो इन वक्त तीन अची भी सकता पे ये मामला काफ़ी हद तक लंडन में कुछ हली रो है काफ़ी सियासतदान भी उतने पौतल आन कुछ का प्लानिंग थी रही है भी नवाज शरीफ साहब भी ढो एक्टिव नजर अचन था कल खैर वो भी योम तकदीर हुए उन मौके से उन्होंने जलसे से खिताब भी कर पर ढो खुश खुश भी नजर अचन था ओपोजिशन के शिकस्त मिली है उनके मद्देनजर रखे वो एक्टिव नजर अचन था बयान भी दियन था या कुछ बो मामलो है लंदन में तो मैं ना समझा तो कें किस्म जहासी लीडर उतने मौजूद हैं एक अद जो है पीटीआई जो वकील बाबा रेवान जरूर वो है बाकी मौलाना फजल रहमान के लिए कूड़ी इतला हली ही तो अच्छा। लंदन जो है वही रो है पर एक्चुअल वो थाईलैंड में आए उन्होंने जो ऑफिशियल तर्जमान आ उन यो चई भी छो तो मौलाना फजल रहमान लंदन में न बल्कि थाईलैंड में मौजूद है अड़े तरीके से नवाज शरीफ के जाहिर एक इुशी तो जरूर थी होंगी त जै मू के
इस्तेमाल करे नवाज शरीफ जिखे नाइल कयो वयो जने असल जो को ने जो मां समझा तो खिलाड़ी जो को हो वो तो जहरा यही हो ना उन खां पो जो को है जके उनके सपोर्ट करने वाला जैसे साकिब निसार एंड कंपनी जकी भी जिन इड़े किस्म जा फैसला देना जिनके पढ़ी करे भी दुख थिंदो है ता सानी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इन किस्म जा फैसला जारी करे तो जहरा उनके यो एकड़ो इत्मीनान थियो हो तो हाँ जै या शतरंज की चाल बिछाई हुई हाँ वो पैं घोड़न खाँ बादशाह का पा मात खाई रो है या दिल के तसली जाहिर है खुशी तो महसूस थी वापस जाहिर है कल जो को है 28 मई हुई इन में कोशिश ना है तो पाकिस्तान जो को है वे पंज के मुकाबले में 6 एट भी धमाका करे यो साबित करे छो तो पाकिस्तानी कौम जो को इज्जत वाली कौम है पाकिस्तानी कौम पैंजी सरजमीन की हिफाजत के ला केतरी वड़ी वड़ी अछू डी वह असें भी याद आ तो उन जमाने में बिल क्लिंटन हुए अमेरिकी सदर उन वड़ी ऑफरू कई उन न सिर्फ नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के भी वही ऑफर्स क्यों तो पाकिस्तान में एतरा अरब डॉलर दई छींदी तेतरी जो है मुख्तलिफ़ फैसिलिटी ऐसी मुख्तलिफ़ शोबन में पर उनके बावजूद भी सही पाकिस्तान उन्हें सब शामिल वो एस्टेब्लिशमेंट भी हुए असानी हुकूमत भी हुए असानी पॉलिटिकल जमातों भी हुजन मजहबी जमातों भी हुजन यो क्रेडिट सभी के जन घुर्जे तो सभी की एकड़ी ख्वाहिश हुई अस धमाका करें पानो जो को सर आने फख्र से बुलंद क्यों तो जाहिर आ वो उनको डी हो जो तमाम खुश नजर अच्छी रहो तो उनको वो याद इंदी हुंदी प्रेशर्स जैसे मानू के याद था अचन तो असा कड़ा प्रेशर सस्टेन क्यासी तो इत्मीनान दिल के जरूर थन्दो आए तो एतरी कुवत के मुंह डेई करे असा पाकिस्तानी कौम के सर के जो है झुकन कान दिनोसी तो बराली जमाने से पीडीएम असी इन तमाम जमातों की गाल क्यों तो इन इन वक्त का स्ट्रॉन्ग पोजिशन लगी पई है इन वक्त जड़े हिसाब से पॉलिटिक्स में आहिन या ऑलरेडी हुकूमत में भी आहिन या अगते हली करे मुस्तकबिल में पीटीआई जे फेज में गुजरी रो है थी पो सके तो ही जे पीडीएम में सियासी पार्टीज आन हिनन ते भी यो वक्त अची सके तो दिसो यो तो इनन सबनी ते वक्त अची चुको है ना जेकर वरी भी अची विनो त में हैरत इंटेंस न पीटीआई वाला फेज दिसो पीडीएम में शामिल जेके जमातू आहिन मौलाना फजल रहमान जी जमात हुजे त केतरा जा लीडर जे केन वे नेबन में इनन में एफआईए में सब रुलिया ना एड़े तरीके ता पीपल्स पार्टी जे वरी तारीख है अड़े तरीके से नून लीग की भी तारीख है तो उन में एमक्यूएम पीडीएम में शामिल है उनकी भी तारीख है बीएनपी उनमें शामिल है उनकी भी तारीख है मेंगल साहब आए उनमें उनकी भी तारीख है तो इन में का अड़ी जमात ना है जे ये दुख्या वक्त न डिठा यानी इन सभी जमात जी सब का टफ दुख्या वक्त दिनान जैमें नंबर वन तो खैर पीपल्स पार्टी है जैसे कहीं मुकाबलो ही ना है पर उनके बावजूद भी चवन सभी दुख्या वक्त डिठा इन पैरों दफो थे ना इनके खबर ही कान्ने मां तांगे याद हों तांगे मां चंदोस ते ही पार्टी जो है सिर्फ सोशल मीडिया जी पॉपुलर पार्टी है उए भी जे केन जाली सॉफ्टवेयर हैक कयालन मुख्तलिफ कंपनियों के पैसा दे बूस्टिंग जो सिस्टम अमेरिका लंडन में भारत में कयल है हे उन जो शख्सान हो न तो तांगे याद हों जैसे इमरान खान की हुकूमत में हटायूं तो मां चयो ते ही भले केतरा वणी कौम के तलब करे हन जी वो पॉपुलरिटी ना है जो लखे मानू रोडन ते अची सकन वद में वद 5000 10000 15000 20000 23 करोड़ मुल्क मानू जो मुल्क है जो 10 20 30000 मानू अची भी वे तो कड़ो फर्क तो पे कड़ी अड़ी पार्टी है जी ये मानू नथी जमा कर सके यानी नंढी का नंढी पार्टी जो भी असर मिसाल वूँ तो वह भी एतरा मानू जमा थी कर सके मसलो यो तो जी इन पार्टी हुई बी का पार्टी सोशल मीडिया से ये गालिब ना यानी इन जो सोशल मीडिया से इन्वेस्टमेंट कई जे इन मू हायर क्या जे इन यूट्यूबर क्रिएट क्या जे इन ट्विटर जा सॉफ्टवेयर हासिल किया प्लस सोशल मीडिया फेब्रिकेट है ना एक एक कर सामू अची रहा हाँ इमरान खान जो पार्टी जो सरबर है वो पा एक जाली वीडियो जो है ट्वीट कर रो है उन जुमला लिखी रो है जी उनके डिलीट करनी पी 24 कलाक अग में अड़ी तरीके से ही सारी पार्टी जो है ना वो फेब्रिकेटेड फेक कूड़े प्रोपेगेंडे ते बदल हुई जो ही नतीजो ही तांगे नजर अची रहा है तो हर मानू थोड़ो भी प्रेशर जो का है सस्टेन कर मतलब सब इन सागी पार्टी जी फॉलोइंग भी हुई इन सागी पार्टी जो है वोट भी सोशल मीडिया ते फॉलोइंग हुई ना हो तमा के ना पियो लगे इमरान खान जी की फॉलोइंग उन जो एकड़ो यो असा चई सकूंदा तो उन जी एकड़ी फॉलोइंग एकड़ी हद तई है वोट भी हासिल कर काफी कुछ फॉलोइंग ना है जी
पर तो मिसाल तो दें तो खैर छह सत सीटन से पा बीठो हो इन कर खटी हो न जै सीट से न बीठो उन्होंने हुकूमत हुई पंजाब में सही उनकी शाह महमूद कुरैशी की धी बीठी हुई पीटीआई की टिकट हुई पीटीआई जो बलो जो है उनको निशान हो 3000 की लीड से हारे वही जिते लीडर पढ़ बीह है इन का अगमें की सवाय जो बिलावल यो लियारी की इलेक्शन हार वो भी कि हारो सभी के खबर है पर जैसे माजी में ऐसू तो बेनजीर भुट्टो जै सीटन तक बीठी रही है हमेशा खटी है नवाज शरीफ जै सीटन तक डायरेक्ट पा बीठो रो है हमेशा खटो जो भी पार्टी जो एडो लीडर ब चार पंज सीटन तक बीह उन हमेशा तुम ट्रैक रिकॉर्ड ऐसो तो हमेशा खटन है इनमें का नई गाल कान हुई पर हे जैसे पा के बजाय कें बे के बीहारे अच्छा हि जै सीटन से पा बीठो है तो अंदाजो लगा तो उनमें भी फर्क छा है हालांकि इनकी हुकूमत ये सब इदारा इन ये जी जुडिशरी भी इनसा मिलल हुई प्लस एक एस्टैब्लिशमेंट जो तबको जो रिटायर से मुश्तमिल हो भी इनसा मिलल हुआ उन बावजूद भी तुम फर्क ऐसो तो कें सीट से 5000 कें 10000 कें 8000 या तो यो जो ना अगले की जमानत जब्त थे उनके 10000 मिलना इनके लख मिले यहाँ सिचुएशन तो तीन पूरे मुल्क में किथे भी नजर ना ना वे का वो जो उनको टारगेट 25-30 हज़ार जो ही हो ना जैसा उनके यूसुफ़ ज़ागलानी के पुट जो है हारा वही मुल्तान में उनकी हुकूमत के दौरान तो उन तक खबर पवी है तो जैसे तुम बे कैंडिडेट के ींदा तो डिफ्रेंस पाँच ठीक है पॉपुलर हो पाँच लेवल से पर लीडर हो पार्टी जो उनके उत तकसीम पैदा नी वोटर में जैसे छोजो तीन दफे हुकूमत मिली चुकी हुई तो मू जो भी तुम लोकल एमपी एमएन या जो उनके मिनिस्टर होंदा उन्होंने पैं हल्के में कारनामा सर अंजाम दिना तो जाहिर पब्लिक कें भी सूरत में उनके वोट कान दे सही अच्छा जवानी साहब इतने बो भी सवाल है तो जी स्पीड से पीटीआई जहाँ कारकुन पीटीआई छदींदा वन पाया तो वाकई में उन्होंने एहसास चुको है तो कुछ उन्होंने गलत फैसला क्या है या गलत क्यों जी खास कर इन जो मिसाल वो 9 मई वा थारा वाक़ है या इन के पोया का स्ट्रैटेजाइज वे में यो सब कुछ थी रो है का प्लैनिंग है पोया न तो एतरो फास्टली फास्ट जो है वो इस्तीफा दींदा वन पाया तो या का हैरान थियण की गाल है या नॉर्मल है थी है जड़े हिसाब से 9 मई से इन वाक़ जड़ा पेश आया उन कॉन्टेक्स में गाल कजे तो हम वाक़ पेश आया जो हि हकीकत में लाडले के तौर पर इन मुल्क में सियासत कर रो यानि जैसे हुकूमत इन खिलाफ़ को केस ठाए भी पी तो विद इन मिनट्स जो है इनके जमानतू भी मिलन जैसे जुडिशरी जो जो एक्टिविज़म हो वो इन मामले में ऐसा घुर्जे तमाम अदलिया के सबक सीखण घुर्जे या तो जैसे तुम जो ही फेवरेट है तो उनके तुम इतनी रियायत दियो था तो बाबा बिहार भी सियासी पार्टी जहाँ लीडर हैं उनके भी ये असा तो ना चौदह इनके न दियो अस चौदा जैसे तुम दियो था तो याद रखो तो बिहार भी पॉलिटिकल मू या आम मू उन भी तेरे किस्म की रियायत दियो ना तो जो इंसाफ जो पुलोड़ बराबर तो थे न जुल्म जाती है ना तो मूँ एटीसी जहाँ केस होजन फलाना जहाँ असा जहाँ साफिन जहाँ केस न भुगती अस भी भुगती को मसलो ना पर घट में घट जो है पैं एक उसूल से कायम तो रहूँ ना इन जहाँ मूँ आ एक तो उसूल ही हुआ ही कान सब लोटा हुआ ना के केर उसूल हो तो मूँ भी चौदह खरीदो फरोख भाई खरीदो फरोख तो तू कई शाह महमूद कुरैशी परवेज खटक फवाद जो है चौधरी फवाद हमाद अजहर चौधरी परवेज लाई या खुसरो बख्तियार ये कड़े पार्टी में आया यानि इन वट पंजा हो यानि जो लगारी हुयस या बिहार उत अथस ये डेरा इस्माइल खान जहाँ काफ़ी सारा वो केर हो या वो छा पीटीआई जा वर्कर रहा पीटीआई जा उनको लोगों का काम हो ये सब वो मानू आज के जोर जबरदस्ती के पीपल्स पार्टी में भजाए हुए हो के नून लीग में भजाए हुए हो के काफ लीग डिफरेंट ता फ्लेवर्स चई सको ता त हनन जो है हनन के दिना हुआ जिन हनन के दिना हनन के मजबूत करने जेला उनन विड्रा करे छड़ा हिस्ट्री लगूँ तो 9 मई से जो इन है वो पाकिस्तान की तारीख जो सब सियाह तरीन दिन हुए यानि 9 मई से तय है 9 मई से बाबा कौम जी कायदे आजम मोहम्मद अली जिना के घर के बाहर दिनी है तुम यो एहसास न कयो त कोर कमांडर के एक साइड त रखा पर तुम यो एहसास न कयो त जेन मुल्क की बुनियाद विधी जेन मुल्क के मंजरायो जेन मुल्क के आजाद मुसलमानन जे ला छायो उन मुल्क जे बानी जे घर के ता साड़े छडियो है
मां जो जे वसल आ तो इन्हें तो असा फांसी चढ़ा छो अ मानून के नसीहत बनायूं इन मुल्क में तो अज का कें इतनी ताकत पैदा न थे जो इन किस्म की हरकत भी कर सके। यानी तुम इंस्टॉलेशन जैसे साड़ो था। अच्छा मुख्य बुधा तो जैसे इमरान खान के गिरफ्तार किया भी हो तो नैब गिरफ्तार किया ना करप्शन के केस में तो नैब के ऑफिस के बाहर धड़ो दियना हुकूमत से शक है तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के घर के बाहर सीएम हाउस के घर के बाहर गवर्नर हाउस के घर के बाहर किथे तहां जो है घर के भी न सॉरी उन ऑफिस के बाहर पुरमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया तक किथे रैली कटनी था रैली कटो आ किथे मुजाहरो करो मुजाहरो किया पुरमन तो रहो तो साबित था कि टेररिस्ट आयो। यानी एतरो दहशतगर्दी की भी इंतहा जो सोशल मीडिया से लहराए लहराए बुधा रहा। यानी वर्दी जी पाकिस्तान जो फख्र है जी पाकिस्तान की सरहदों जहाँ मुहाफिज़ आन। यानी ऐसो फौज से कें यो इख्तलाफ तो कान्हे न फौज से जैसे उनका कुछ मानू जैसे हुकूमत टेकवर कंदा तो उन वक्त जरूर कुछ इख्तलाफ पैदा थन्दा पर इन अलावा फौज से तो कहीं मुल्क में कोई इख्तलाफ कान्हे न हर मानू समझे तो फख्र की फौज है एडी सरहदन से वही ड्यूटी पंटी माइनस में या पंजा पंजा सठ सठ डिग्री गर्मी में वही किथे वर्दी पाए क्लैशन कोफू या जी थ्री खड़ी या बो साधो सामान हेवी खड़ी इन लेवल से वही नौकर कन तक खबर पे न या जैसे जंग शुरू थी थे उत मैदान में जैसे गोलाबारी थी थे तो को बीहे न माई जो लाल खबर थी पे न तो यह फौज ही है जी असा आराम देने के लिए पान विड़ी रही है फौज से मजबूरी तौर पर कंखे को एतराज कान्ह न पर हरकतू क गणे गणे मां समझा तो उन तनसीबातन के वही निशानो बनाओ ना जी अस फखर जो अलामत हुई जी यानी जैसे अस फखर कंदी दुनिया में तो असरी मजबूत फौज है उनखा भी तुम तो उन्होंने बर्दाश्त कई न तो याद हों जैसे कर्फ्यूज लगंदा या इन किस्म की सूरत हूँ तो कोई घर माना निकल सकता है छो जो उनको एटीट्यूड डिफरेंट हों डिसिप्लिन जहाँ पाबंद हूँ पर उन के बावजूद भी उन्होंने यो बर्दाश्त कर छोड़ो तो उनकी इंस्टॉलेशन से अटैक क्या उन्होंने गोली न हलई जैसे गोली हलाय ना तो वही चवना कड़ी लाशू किरी पोज मे गोली हाँ जो है घट में घट उन तहमुल वही सजा प्रूफ हासिल करने का यानी फुटेज इनकी ठयल हर मानू जो चवंदो ना ही सोशल मीडिया जहाँ एतरा जुनूनी थी चुका हुआ एतरा ही जहनी मरीज बन चुका है सोशल मीडिया की दौड़ में जो इन खबर ही नहीं रही तो करे रहा यानी हर नेगेटिव सोशल मीडिया से उसे भी तो हर नेगेटिव हूँ तो खैर अखबार है मीडिया में भी यो है तो चटपटी खबर होंगी मिर्च मसालो हों तो वह पॉपुलर नैचुरल घट बुध चाहिए ना हमेशा कूड़ फैब्रिकेटेड धौंस धमकी ये जिन शे तक सोशल मीडिया से अक्सर नजर पी अचन यानी फने खानी वजी वजी गाल जैसे जैसे घर में जो है ना वो को पानी भी कान पीरे वो वही गाल इनकलाब आनी असि रेड लाइन आई सफा ये बणजंदा हुआ जण कें जमाने में मानू जो का चंदा ना जिनकी हैसियत न हो वेहण की तो वो मुंह जा फायर करे भी हनन असी चाहू तो एकड़ो डाडू सीरियस इल्जाम लगायो है हु चवन पया त जेके पीटीआई जो औरत कारकुन आहन जेके पंजाब जेलन में मौजूद आहन उनन सा को बुरो बर्ताव या बदसलूकी कई वने थी जेके हुकूमत चवे थी त ही इनन ड्रामो रचायो है अजो खैर इन हवाले सा काफी इन्वेस्टिगेशन भी थी जेके फीमेल एसएसपीज आहन उनन स्पॉट ते वनी करे विजिट कयो है चयो त एड़ो कुछ भी ना है जमात सोच है शुरू थी थे यो इल्जाम लगने के बजाय जमान पार्क में वक्त कुछ थी चुको है माइन से जो उनको बुधा शुरू क्यों जिन जो हाँ तो वीडियोज अच्छा शुरू थी वही जिन तर्जमान की तुम ठी हूँ हिंसर जो है टॉप टेन ठयल ही वीडियो ट्विटर से इन शर्मनाक अमलन से इन माफी ये घुरन ना चाहन अना इन मुल्क में प्रोपेकिंडा कर गलीस इल्जाम लगाए करें मुल्क की समझा तो बदनामी कर रहा है दुनिया में तो जैसे खवातीन गिरफ्तार थी तो उन फलानी फलानी शे जो है वो है भाई दुनिया जो तड़ी कड़ी जेल है अस वुमेन जेल्स जी तरह से कराची में भी है
अफसोस की गाल यही है ना हि एतरो वाहियात जहन रखड़ मूँ है जैसे नालो इमरान खान है जो इन सोच रुगो यो है तो मां अफरा तफरी फैलाना नई नई शेकिंग कड़ा यानी मुल्क की मीशत जो बेड़ो कर छोड़ो 14 महीनों का इनकी कोशिश हुई तो पाकिस्तान डिफॉल्ट थी वे पर अल्लाह की मेहरबानी से अजा तक पाकिस्तान डिफॉल्ट न थो है पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी न होजन के करे यकीनन असांजी मुआशी जेकी सूरत आल है वो हेठ वजी रही है पर वो भी अज असा पंजी कौम के बुधायूं तो अगले हफ्ते का इंशाल्लाह उनमें काफ़ी तब्दीली अची रही है अगले हफ्ते का जो है रशियन फ्यूल जहाज पहुंची रहा है उनका मुझे रफ आइडिया मुताबिक 50-60 रुपये जो है वो लीटर जो है फर्क पवन जरिए लागू कदा मोटरसाइकल्स जलाए कार जलाए जो कोई 800 सीसी का मथे हेट सागी उन ना मान तो समझा तो ये वो एवरीबॉडी रखंदा उन अमीरन जलाए जो कोई दे भी तान छो तो इंप्लीमेंट कर थी सके ना गलियों में तो मां याद हो जने इनन कयो तले चयो सब जलाए हो जन इंप्लीमेंट करण जो कयो नामुमकिन है जो इनन तरीको अपनायो हो आई वो न थो बरालो सबनी जला हो एड़े तरीके सा हियर जो का यो 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 अजा पेड़ो रिलीफ होदो जी जून जे पेरे हफ्ते निकाल हो जे कुछ हफ्ते में असन ने मुल्क के जो का है वो गैस सप्लाई जो का है वो रशिया का स्टार्ट छण वाली है ओके यानी एलपीजी वगैरह जो का उन जा जहाज इंदा तो यकीनन पाकिस्तान में मुआशी सतह ते काफी हद तक स्टेबिलिटी अची विंदी पर इने में 2-4 महीना अजा लगंदा छो जो ये जेके मां ताके पेरो चो जन 3 महीना यो एग्रीमेंट कयो मु जो अजा 3 महीना तो कुछ ना उनका पुरस ना सी वक्त चढ़न ते गलाईंदा सी बिल्कुल तो हाने वो जहाज छो जो ओमान बंदरगाह ते पहुंच चुको है जून जे पेरे हफ्ते उते हिद ते अचणो आ त हाने असा यो अज्यूम करे सकूं ता त या फैसिलिटी जो है आवाम के मिलंदी एड़े तरीके सा सन जेके खाण पीण यो शयूं आइन उने में भी हिनन जा जेके बिजनेसमैन ताके याद हुंदो मा पे हियर त हाने हलन थी सबनी ने बिजनेसमैनन जो कहानियों ये जो बिजनेसमैन आ वे जानी वाणी जो है ना मुल्क के डिस्टेबिलाइज करने की साजिश कर रहा हुआ इनमें 60-70% वे बिजनेसमैन हुआ जिनके इमरान खान IMF खान जो है अरबें डॉलर जो है सूद से वही कर बिला सूद जो वो पैसा दिना हुआ यानी जिनके तुम हेडा अरब डॉलर 10-10 अरब डॉलर जैसे तुम बिला सूद कें दींदा तो तुम अंदाजो लगा तो मुल्क जो बेड़ो गर्क तो इमरान खान है उनसा ये 50-60 बिजनेसमैन है उन्होंने किया हो ना हाँ बिजनेसमैन भी पैं उन दायरे में तहकीकत में अची वह वा टॉप जहा बिजनेसमैन जो उन दायरे में अची चुका काफ़ी मानून का सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन हली रही हैं अचण वो वक्त तक बुधाई तो काफ़ी सारा इन में जो है वो कैफरे किरदार तीन पहुँचा जिन इन मुल्क जी के डिस्टेबिलाइज करण के लिए डॉलर जहा जखीरा क्या जानी वाणी स्टॉक में जो है जानी वाणी मंदी जो रुझान पैदा कर अड़े तरीके से खाण पीन शेन में शॉर्टेज पैदा कई तो जी मुल्क में अनारकी फैलजे मुल्क में जो शूं महंगी थी वन तो जो उनको बेनिफिट इमरान खान के मिले हुकूमत के असर फ्लॉप चई सूँ तो इन संभलजे कान इकोनॉमी यहाँ तमाम खतरनाक जी हाँ अदलिया तक नजर अची है जो उनको रोल है हर अंधे मानू के भी नजर अची रो है अदलिया केतो फेवर कर रही है अड़े तरीके से वो बिजनेस कम्यू बिजनेसमैन कम्युनिटी जो तबको हो जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी के साजिश के तहत जो है नुकसान पहुंचाया तो उन्होंने सभी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हली रही हैं इंशाल्लाह कौम के सामू मुझी तो यह ख्वाहिश है तो उन बिजनेसमैन के कौम के सामू आन उन्होंने फ्रॉडी गेंस के कर मुल्क के मानून में महंगाई पैदा कराई या हथरादू महंगाई तक पे चुंदम तो यह जखीरा अंदोजी के कर इन में गवर्नमेंट की कोताही नई ली आई जो एडमिनिस्ट्रेशन के मुतरिक न कर सकी सख्ती न कर सकी न तो जो है इतनी महंगाई नामुमकिन हुई जितनी अचानक थी वही हुई पर हाँ आहिस्ता 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 तक उनमें फैसिलिटेशन नजर अची रही है हाँ तक कुछ नजर अची रो है तो कुछ सब्जी जहा रेट हेठ अची चुका कुछ फ्रूट जहा रेट हेठ अची चुका अड़े तरीके से कणक में खंड में जी माफिया इन्वॉल्व है जी चाहे की पत्ती है इन वे तादाद में जखीरा अंदोजी करे जानी वाणी उनका रेट बदाय अड़े तरीके से मुख्तलिफ खाण पीण जी शूं हैं ये जानी वाणी उ बिजनेसमैन जिनके इमरान खान टिकटू दिनल हुई उन्होंने औलादन के टिकटू दिनल हूँ उन्हें वा वा अरबें डॉलर जहा लोन इन वरतल फ्री ऑफ सूद के तो उन्हें फैसिलिटेट कर हेल्प आउट कर हाँ तुम तक याद है चो तो काफ़ी फैक्ट्रीन जहा मुलाजिम जो धरण में वन जी ये बिजनेसमैन मुख्तलिफ़ मू हाँ तुम तो वो साबित थी रो है तो कोई कड़े कारखाने में हो कोई कड़े कारखाने में हो कुछ सरकारी मुलाजिम हुआ
सही जमाली साहब एक बी भी खबर मुख्य शामिल करण दियो त ही जेका जुडिशियल कमीशन ठही हुई जेके ऑडियो लीक्स थियन पया तने ते कमीशन ठही हुई ऐ असी पाने गुजरल प्रोग्राम में यू डिस्कस भी कयो हो से पर अचानक सा सुप्रीम कोर्ट जा जेके मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आन उन एतराज जाहिर कयो अजो जेको आन कुछ रिमार्क्स दना त उनन के उनन कलदम करार न देनो आए पर उ चवंदा त जारहाणो अंदाज कम न इंदो ऐ जांच करण लाए तरीके सा हुकूमत के जेको आ चवंदो आ हिकड़ी गाल ता समझी छड़ियो त सा पहिरो में चोसी त आइन में कोई प्रोविजन ना है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सा हुकूमत मशवरत कराए के कमीशन ठाए आई ने चवन था त आइन पाकिस्तान लिखी छुपी मुलाकातू छो कयो पया यो सा यो चे सगुंदा त اخलाकी तौर ते एकड़ो पैटर्न सेट आए त जेकरे ता के सिटिंग जज के कमीशन जो सरबरा कयो था त ता चीफ जस्टिस सा मशवरत कयो यो اخलाकी तौर ते मसलो यो ना उमर त बंदियाल वेठो है जो असो जो कें भी मामले इख्तलाफ हो मसलो यो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी है इन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी के इज्जत देनी होंगी है जो सीट से बर्जमान है उनकी कुर्सी जो एहतराम कराने अचान घुर्ज केदी न खूबसूरत गाल हो जो चई छा छो जो बाबा इनमें मुझी सस की ऑडियो इन्वॉल्व है मुझे उनमें इंट्रस्ट क्लैश थी चुको है मुझी कुर्सी के जो जेब न तो दे तो मैं इन केस की हेरिंग दिसा तो इनकी इज्जत जो है केतो ग्राफ वी वे पर इज्जत के तरजीह देने के बजाय पी बेस्ती कराने तस्लीम कर उन कुर्सी के समझा तो हेठ दिखार स्टेज जारी कर छो जैसे तो पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी बशमूल इन पीटीआई बशमूल जो है हुकूमत में धुरियो जो शामिल हैं बशमूल जो साफी हैं बशमूल इन में बार्स हैं उ चई रही हुई तो ये जो भी ऑडियो वीडियो अचन थी इन तहकीकत थियण घुर्ज इन फॉरेंसिक थियण घुर्ज सच ए कूड़ के सामू अचान घुर्ज जिन पान चवन हो आखिर मज़ेदार गाल यह है तो जै पिटिशन में इमरान खान फरीक हो यानी जै पिटिशन में इमरान खान फरीक हो न उन पिटिशन में इमरान खान उत पेश थे न उनको को वकील पेश थो है पर वरी भी स्टे दई चीफ जस्टिस साहब जी वरी भी हाँ तो अंदाजो लगायो जातियात पंजाब में जेके चूंडू थणी उन हवाले सा में उनन अणयातल मुद्दे ताई उनके बे मुल्तवी करे छड्यो है बहरहाल जेकरे ये चाहिए वो तनन के कानून बाद में समझ में आयो ना तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वट या गवर्नर वट ये इख्तियार ना इन जो हु इलेक्शन जी डेट अनाउंस कर सकना इन सिर्फ डेट अनाउंस न कई इन पूरा शेड्यूल नहीं छो हो इन तारीख से इलेक्शन थी इन तारीख से नॉमिनेशन थी इन तारीख से विड्रॉल थी इन तारीख से अपीलू बुद्धि मेंटेलिटी दिसो पा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को समझे यार तू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आई भाई तोखे पैंजी कुर्सी जो ख्याल करना घुर्ज है तू असो सजे 23 करोड़ आवाम की खराकियात जो ख्याल कर छो जो तुम पैटर्न सेट कह असल में तुम्हें बिहार की जुडिशरी हेठी लेवल से होंगी वह फॉलो कंदी है जैसे तुझा ही फैसला इन किस्म जहाँ होंगे जी बिल्कुल मुख्तलिफ़ रिफॉर्म्स एंड चेंजेस हो तमाम जरूरी है बहरहाल ही सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट पास अलावा इमरान खान जो मुश्किलों भी नाजरीन तमाम दुख्यादियो वन पे तरफ जैसे जमाली साहब भी असें नजर भी अचे तो शायद कुछ सुठी खबरों रिलीफ के हवा से असें मिलण वन पुं सो बहरहाल जी सियासी खबरों आन या मईश के हवा से अच्छा जी जखीरो कल है जल्दी जल्दी खपन अगले कुछ दिन में जेकी नई करेंसी डॉलर भी यानी हेठ लहे पयो जमाली साहब जवणा जेकी करेंसी अच्छी रही है उन का कोई डॉलर कोई नंगा खरीद करण वारो भी कान मिलदो पाकिस्तान में अच्छा ठीक है ठीक है थण वारो दन ठीक ठीक एडवांस जो आयरन गया हूं आज जवाली साहब तमाम घणो कंटेंट आए नाजिन शायद सावट वक्त जेको है वो थोड़ो पेजी वयो है सो इंशाल्लाह सुभाणे वरी मुलाकात थींदी है वधी कसी जवाली साहब का जेके उन में खबरू आए ओए अवां जी आरो पेश कंदा से इजाजत दीना अल्लाह।